तो हेलो गाइस, सबका स्वागत है मेरी एक नई वीडियो के अंदर। और गाइस, आप सभी को पता है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट्स अपलोड करी थी और उसमें मैंने भाई साहब बरमूडा मैप के अंदर ग्लाइडर का यूज किया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको उसी ट्रिक को बताने वाला हूँ कि आप बरमूडा मैप के अंदर ग्लाइडर का यूज कैसे कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ट्रिक है ना, ये हमारा क्रॉपलैंड मैप के अंदर वर्क करता है। तो सबसे पहले आपको क्रॉपलैंड मैप की जरूरत पड़ेगी, तो उसका जो मैप कोड है ना वो मैं आपको वीडियो के बीच में दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। तो फिलहाल मैंने उस मैप को पहले से लगा के रखा है। तो सबसे पहले इस गेम को करते हैं स्टार्ट और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे ग्लाइडर का यूज कर सकते हो। और इतना ही नहीं, खास इसके अंदर आपको बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे गेम स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक बाइक का ऑप्शन होगा और एक ऊपर रेड कलर का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप बाइक पे क्लिक करोगे तो आपको ना बाइक के अंदर काफ़ी सारी गन्स मिल जाएंगे, बिकॉज ये फाइट वाली है। तो अगर आपको लड़ना है दुश्मनों से, मतलब अपने दोस्तों से फाइट करनी है, तो आप फाइट भी कर सकते हो। बेसिकली मैं अभी फाइट नहीं कर रहा, तो अपन यहाँ पे रेड पे क्लिक करते हैं, रेड वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक टेलीपोर्ट का बहुत सारी ऑप्शन देखने को मिलेगी। तो मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट पे क्लिक करके सबसे पहले अपन फैक्ट्री पे चलते हैं। अब फैक्ट्री पे आने के बाद मैं यहाँ पे आइटम पे क्लिक करने वाला हूँ और यहाँ पे फ्लाइंग शूज़ को मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फ्लाइंग शूज़ का यूज़ करके अपन सबसे पहले फैक्ट्री के टॉप पर जाने वाले हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ग्लाइडर का यूज़ कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको नाइट कर दिया मेरे दोस्त ने, तो इसको पहले मैं यहाँ पे डे कर देता हूँ, ठीक है। तो अपन स्काई पे क्लिक करके यहाँ पे इसको डे कर चुका है। अब यहाँ पे फिर से रेड पे क्लिक करो और आइटम पे जाओ और ग्लाइडर को परचेज कर लो। तीसरे नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ग्लाइडर को परचेज करने के बाद अपन देख सकते हो कि यहाँ पे शूज अपना नीचे आ चुका है और ग्लाइडर मेरे पास आ चुका है। तो अपन यहाँ से जंप करने वाला है और मेरे हाथ में ऑटोमेटिक ग्लाइडर आ जाएगी और मैं इसका यहाँ पे कुछ इस टाइप का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें और भी काफ़ी सारे फीचर्स है, तो मुझे मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बेसिकली पहले ये देख लो, ये जो मैप है ना, ये वजह पूरी की पूरी बरमूडा मैप है। तो मैं आपको पहले मैप खोल के दिखा देता हूँ। तो ये जो मैप है पूरी पूरी बरमूडा है, आप बरमूडा में कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने मैप को कर दिया है बंद। अब फिर से मैं रेड पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कार का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करो। और यहाँ पे भाई कोई भी कार इको ना आप भाई अनलिमिटेड मंगा सकते हो, अनलिमिटेड जितना हो सके इतना मंगा सकते हो। लेकिन वैसे इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका लो एंड डिवाइस है तो आप ज़्यादा गाड़ी मत मंगाना, वरना आपका डिवाइस इतना लैग मारेगा कि आपको वैसे फ्री फायर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका डिवाइस कुछ ज़्यादा ही लो है तो ऐसा करने की ट्राई मत करना, क्या पता आपका फ्री फायर ही क्रैश हो जाए, तो मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्क नहीं लेने का, ठीक है। तो यही है कुछ फीचर्स जो कि मुझे आपको बतानी थी। और भी इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है, तो आप इसको जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलती रहेगी, ठीक है। तो बेसिकली इस मैप का जो कोड है ना वो मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ, तो आप जाओ खुद इस मैप को ट्राई करो। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।